ढांचे पर से कहानी कीजिए अथवा तो लिखिए। सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नामक का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई, एटले कि आश्चर्य मां पड़ गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, छड़ी मीन्स के लकड़ी, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी कि जैसे वह पकड़ा न चाहे इसलिए 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। कम मीन्स के ओछी कि थोड़ी जरा ओछी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से काम लिया और हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा लिया। प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां में छे कि पहलो प्रश्न कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वफादारी की कहानी छात्रों को सुनाइए और पढ़िए। उत्तर, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा हमेशा उसी पर सवारी करते थे। युद्ध में वह उसका भरोसेमंद साथी था। चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। महाराणा प्रताप का इशारा देख के समझ जाते हैं और देर नहीं लगाती थी। युद्ध में जब महाराणा दुश्मन सैनिकों से घिर जाते थे त,
तब चेतक बड़ी कुशलता से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता था। हल्दी घाट के युद्ध में उसने कई बार उन्होंने घातक हमलों से बचाया था। एक अवसर पर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे, तब उससे अपने स्वामी को बचाने के लिए चेतक ने एक चौड़े नाले पर करने के लिए छलांग लगाई। उसने उन्हें नाले पार पहुँचा कर शत्रु सैनिकों से तो बचा लिया, परंतु वह खुद न बचा सका, इसलिए वह मर गया।